तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों, क्या आपको पता है स्वयं सहायता समूह के निर्माण से लेके स्वयं सहायता समूह के बेहतर क्रियान्वयन को लेके कहाँ समस्याएं आती हैं, इस चीज़ को दूर कौन करता है, एक अच्छे स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बड़े डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इतना ही, आपको मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की चयनित CRP महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और आने वाले समय में CRP की वैल्यू क्या होती है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की चयनित CRP को प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की चयनित CRP को नगर पालिका के ऑडिटोरियम में 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। NRLM की मास्टर ट्रेनर श्रीमती प्रतिभा देशमुख PRP के द्वारा प्रशिक्षण का शुभारंभ मोटिवेशनल गीत के साथ प्रारंभ किया गया। स्वयं सहायता समूह गठन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए पंचसूत्र के बारे में बताया गया, जिसमें नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित रजिस्टर, लेखांकन एवं आय व्यय का लेखा जोखा रखना या पुस्तक का संधान करना, नियमित ऋण वापसी एवं स्वयं सहायता समूह के नियमों का पालन करना, इन सभी बातों को विस्तार से चर्चा किया गया। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को 3 महीने और 15 बैठक के बाद शासन द्वारा 10,000 की आवर्ती निधि दिया जाता है एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण एवं बैंक लिंकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैंक से लोन कैसे प्राप्त किया जाए तथा उसकी अदायगी कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में जानकारी दिया गया। समूह की महिलाओं को 7% दर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा ऋण दिया जाता और बैंक द्वारा प्रचलित दर से कैसे अनुदान प्राप्त किया जाता तथा बैंक लिंकेज ऋण के अंतर्गत एक समूह 4% सालाना ब्याज दर के आधार पर 4 बार लोन ले सकता है। स्वरोजगार हेतु कोई भी महिला या पुरुष अपने व्यवसाय के लिए 10,000 से 2 लाख रुपए तक लोन ले सकती है, इन सभी चीज़ों को भी बहुत डिटेल में बताया गया। आवर्ती निधि प्राप्त समूह को बैंक लिंकेज के लिए पात्र माना जाता है। 4% सालाना ब्याज दर से समूह की महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 1.5 लाख रुपए से पहला ऋण प्रदान किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना आदि के बारे में उपस्थित CRPO को विस्तारपूर्वक बताकर क्लेम करने की प्रक्रिया एवं वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से चलचित्र दिखाकर विस्तार से चर्चा किया गया। वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता ऋण समावेश के तहत स्वयं सहायता समूह एवं व्यक्तिगत तौर पर बचत की आदत, निवेश धन का सदुपयोग, मोहम्मद वकार कुरैसी द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता एवं ऋण समावेश के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि कैशलेस बैंकिंग व जागरूक ग्राहक बनने का तरीका, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी एवं बचत, भीम डिजिटल एप्लीकेशन एवं डिजिटल बैंकिंग, UPI इंटरनेट बैंकिंग, ATM का इस्तेमाल, सिविल स्कोर, OTP, CVV और साइबर सेल डिपार्टमेंट, टोल फ्री नंबर 1930, भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल योजना 14448 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बताऊं तो किस तरीके से आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताई जाएंगी और करवाई जाएंगी। इतना नहीं, आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक CRP यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, यानी कि जो भी आपके स्वयं सहायता समूह का गठन करता है और स्वयं सहायता समूह का अच्छे से निर्वहन करता है, उसकी नियुक्ति हर स्वयं सहायता समूह को चलाने के लिए की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह का गठन मुख्यतः CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा किया जाता है। CRP कम से कम 1 साल पुराने समूहों की सदस्य होती हैं और उनकी सक्रियता के अनुसार उनका चयन किया जाता है। एक अच्छा खासा मानदेय भी दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही शासन के द्वारा कोई शासनादेश आएगा, मैं अपने इस चैनल पर ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। IPRP और CRP की जैसे ही भर्ती आएगी, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। निवेदन करता हूं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।